और चौथा पॉइंट है कि अपने जीवन में कुछ परेशानी आती है तो हम बहुत परेशान होते हैं, यार मेरे जीवन में ये परेशानी आ गई, लेकिन एक्चुअली ये परेशानियों का हम अपॉर्चुनिटी समझकर कैसे यूज़ कर सकते हो ये करना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी कैसे कि इसके लिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक आदमी रहता है, वो आदमी रहता है एक मॉल में, छोटे मॉल में काम करते रहता है पुराना, कि उसमें रहता है कि भाई उसका एक ही काम रहता है, अनपढ़ आदमी रहता है इसलिए वो सिर्फ डोर पर रहता है, कोई आया भाई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, भाई इस साइड में इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बुक है, बुक इस साइड में, वही उसका काम रहता है। उस मॉल में एक नया मैनेजर आ जाता है और वो बोलता है यार सब एजुकेटेड हैं तो ये अनपढ़ आदमी को इधर क्यों ड्यूटी पर रखा है। उस आदमी को वो बुला लेते, दोपहर की छुट्टी हो जाती, उसको मैनेजर, नया मैनेजर बुलाता, भाई तू अनपढ़ है तुझे कुछ आता नहीं इसलिए क्या कर, जो भी तेरी तनख्वाह कुछ बाकी है वो ले ले और दोपहर के बाद तू ड्यूटी पर नहीं आने का। अब ये तो बहुत परेशानी होगी, आदमी अनपढ़ है अब क्या करेगा, वो नुस्ता सूर्य अब वो सोचने लगता है कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि यहाँ पर काम कर सकता हूँ। दूसरा है कि जो भी पूंजी है वो इतनी सी पूंजी, वो चलते चलते घर जाते, यानी घर जाते जाते रास्ते में सोचता है तो उतने में क्या रहता है, वो एक्चुअली बीड़ी पीने वाला रहता है, उसको थोड़ा स्मोक करता है इसलिए बोलता है कि यार ये आजू बाजू में तो कोई स्मोक का दुकान ही नहीं है, यानी वो बीड़ी, वो सोचता है कि अगर मेरे जैसे बहुत से लोग इस रास्ते से जाते होंगे और उनको भी लगता होगा कि बीड़ी नहीं इधर, इसलिए वो क्या करता है एक छोटा सा ठेला उधर लगा देता है और बीड़ी कुछ सुपारी पान ऐसी दुकान लगा देता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बहुत उसकी दुकान चलने लगती, फिर वो बिजनेस माइंड से सोचता है कि अगर इस शहर में एक एरिया है तो ऐसे बहुत से एरिया इस शहर में होंगे, इसलिए वो पहले ढूंढता है और वहाँ पर कुछ बच्चों को काम पर लगा देता है, बाद में उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे चलने लगता है, बाद में वो सोचता है कि यार ये बीड़ी है उसका कुछ कलर में चेंज कर दूँ, तो फिर एक छोटी सी कंपनी डालता है और वो आदमी फिर उस बीड़ी की कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है, उनका नाम है स्टीफन और उन्होंने ब्रिस्टल कंपनी की वो फाउंडर है। एक्चुअली देख लीजिए, बाद में ये सब होने के बाद एक रिपोर्टर उनके पास जाता है कि सर आपने इतना सब अचीव कर लिया है, आपकी खुद की इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो आपका एजुकेशन क्या है। वो बोलता यार मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हो, जैसे बोलता कि सर आज आप अनपढ़ हो तभी भी आपने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उसने बस वहाँ ही हाथ कर देता, बस अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बस उसी मॉल पर काम करता क्योंकि वहाँ पर मुझसे काम पर नहीं निकलते।